वेलकम बैक इन शिवा इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम आपसे ओथेलो के इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स और समरी पर चर्चा करेंगे। ओथेलो प्रोटैगनिस्ट है और द मूर है। ये डेसडेमोना ओथेलो की वाइफ है, यागो ओथेलो कैप्टन है और विलेन भी है। ये ब्रेवेंसियो डेस्टेमोनस फादर है, केसियो ओथेलेस लेफ्टिनेंट है और ये फ्रेंड भी है। ग्रेशियानो ब्रेवेंसियोस ब्रदर है, यानी ओथेलो उसके डेस्टेमोना के चाचा हैं। इमिलिया यागो की वाइफ है। इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं और इसके बाद हम समरी पर चर्चा करते हैं। ओथेलो एक नीग्रो काला इंसान है, उसे डेस्टेमोना नामक एक लड़की से प्यार हो जाता है। यागो उसका फास्ट फ्रेंड है। जब ओथेलो को डेस्टेमोना से प्यार हो जाता है तो यागो को ये खराब लगता है और डेस्टेमोना को वह मतलब ओथेलो डेस्टेमोना के साथ अब ज़्यादा समय देता है। ये यागो को बर्दाश्त नहीं होता है और वह ओथेलो से जलने लगता है। अब एंगर में आकर के वह डेस्टेमोना के फादर को बर्ताना शुरू कर देता है और उनसे कहता है कि आपकी लड़की उस काली कलूटे लड़के से के साथ पूरी पूरी रात घूमती है, आनंद लेती है और उसी से प्यार करती है। ब्रेवेंसियो गुस्से में आकर ओथेलो को ढूंढने लगता है और कुछ समय बाद उसकी मुलाकात ओथेलो से हो जाती है। तब ब्रेवेंसियो उससे कहता है कि तुमने मेरी बेटी को जादू टोना कर करके अपने प्यार के चक्कर में फंसा लिया है। ओथेलो तथा ब्रेवेंसियो की बात चल रही होती है, वहीं पर डेस्टेमोना भी आ जाती है। तो वह अपने पिता से कहती है, नहीं पिता, ऐसा नहीं है, ओथेलो से मैं बहुत प्यार करती हूँ। यह सुनकर ब्रेवेंसियो बुरी तरह अपनी बेटी पर एंगर करता है, उसे डांटता है, फटकारता है, जैसा कि आपने आज मूवीज में भी देखा है। यागो ओथेलो का फास्ट फ्रेंड भी है, लेकिन वह ओथेलो की लाइफ चौपट करने की कसम खाता है। तभी यागो अपने फ्रेंड कैसियो के साथ मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी बनाता है। कैसियो से यागो कहता है कि तुम डेस्टेमोना से अपनी नज़दीकियां बढ़ा लो। जब कैसियो तथा डेस्टेमोना आपस में काफ़ी नज़दीक हो जाते हैं तब यागो ओथेलो से जाकर कहता है कि देखो, डेस्टेमोना तुम्हें पागल बनाती है और कैसियो से प्यार करती है और उसी के साथ रहती है। लेकिन ओथेलो यागो की बात पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता है। लेकिन एक दिन ओथेलो खुद डेस्टेमोना को कैसियो के साथ देखता है, तभी उसे यागो की बात पर विश्वास होने लगता है। यागो अब ओथेलो से कहता है कि डेस्टेमोना आपको बहुत पागल बनाती है और कहीं पर निशाने और कहीं पर जो है निगाहें चलाती है, इसलिए आप कैसियो तथा डेस्टेमोना दोनों को मार दो। अब यागो के द्वारा कैसियो को मारे जाने का प्रयास किया जाता है और ओथेलो खुद डेस्टेमोना को मारने जाता है और तकिया से मुंह दबा करके उसे मार देता है। हालांकि वो बहुत सारी दलीलें देती है, मैं निर्दोष हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है, बहुत मेहनतें करती है, लेकिन ओथेलो नहीं मानता है। इमिलिया ओथेलो को उसे मारते हुए देख लेती है, पर यागो भी वहां आ जाता है। इमिलिया ओथेलो से कहती है कि आपने डेस्टेमोना को क्यों मारा। ओथेलो इमिलिया से कहता है कि यागो ने ये प्लानिंग की थी। अब इमिलिया कहती है कि यह खबर सबको मैं बता दूंगी। अब यागो को क्रोध आ जाता है और इमिलिया को मार देता है। इमिलिया को मारकर यागो जब वहां से जा रहा होता है तभी उसे ओथेलो पकड़ लेता है और मार देता है और अंत में ओथेलो खुद को मार देता है। इस प्रकार ये समरी संक्षिप्त में मैंने आपको आज डिस्कस कर दी और अगली वीडियो में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर ओथेलो पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।